अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं व्यूअर्स आप लोग? आई होप कि आप लोग ठीक होंगे, खुश होंगे, अल्लाह ताला आप लोगों को इसी तरह खुश रखे। आज मैंने सोचा अपनी इफ्तारी की रूटीन आप लोगों के साथ शेयर करूं। ये मैंने दही बूंदियां और बल्ले जो है ना, ये मैंने पानी में भिगो दिए। माश की दाल के दही बड़े थे घर के हैं, और इसको मैंने पानी में भिगो दिया। अब मैं इसका चूल्हा ऑफ कर दूंगी और ढक दूंगी। अब 2-3 मिनट बाद मैं इसे निकाल के पानी इसका और ठंडे पानी में डाल दूंगी, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। इतने मैं इफ्तारी बना लेती हूँ, फ्रूट चाट। अभी मैंने फ्रूट्स ले लिए, अब मैं इसकी चाट बनाऊंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ्रूट्स को मैंने सारे अच्छी तरह वॉश कर लिया था। आज जुम्मतुल विदा है और दिल अजीब सा हो रहा है कि आखिरी जुम्मा है, अगले साल पता नहीं हम होते हैं नहीं होते हैं। अब इसके अंदर ये शुगर ऐड कर दूंगी। शुगर मैं थोड़ी सी ऐड करूंगी, ज़्यादा नहीं करूंगी। ये देखिए, इसमें अब मैंने 4 मसाले ऐड कर दिया। अब इसको मिक्स कर लूँगी अच्छी तरह। शुगर मैं बहुत कम डालती हूँ, और ऑरेंज आजकल अच्छे नहीं आ रहे, वरना मैं इसके अंदर ऑरेंज का जूस डालती हूँ, उससे तो बहुत मज़े की बनती है। या फिर टैंग भी डाल देते हैं, मगर मेरे बच्चे ना टैंग का ना टेस्ट अच्छा नहीं लगता, इसलिए मैं टैंग नहीं डालती। अब मैं इसको अब ये फाइनल लुक इसकी देख लें आप, इसको मैं फ्रिज में रख देती हूँ। अब मैंने इसमें दही डाल लिया, अब पहले दही को फेंटूंगी। इसमें थोड़ा सा नमक ऐड करूंगी, थोड़ी सी इसके अंदर ग्रीन चटनी। मैं इसको भी फ्रीज करके रखती हूँ। अगर आपको इसकी रेसिपी चाहिए हो तो मुझे बता दीजिएगा, मैं आपको दे दूँगी। अब मैं इसके अंदर बल्ले डाल दूंगी। ये माश की दाल की है, होममेड है। इसके साथ मैं बूंदियां भी ऐड करती हूँ, क्योंकि मेरा छोटा बेटा जो है ना, वो बूंदियां खाता है शौक से, खाली ये नहीं खाता, तो फिर मैं इसके अंदर बूंदियां भी डाल देती हूँ। इसके अंदर मैं बेसन ऐड करूंगी, थोड़ा सा बेसन, 2 टेबल स्पून मैंने बेसन डाला है। 1 टेबल स्पून मैंने इसके अंदर बेसन डाला है, 1/2 टीस्पून मैंने इसमें नमक डाला है। अब इसके अंदर 1 टेबल स्पून मैं कॉर्नफ्लोर ऐड करूंगी, और इसको मैं अच्छी तरह मिक्स कर दूंगी। पानी इसमें बिल्कुल भी नहीं डालना, बस मैंने इसको वॉश कर लिया था अच्छी तरह, उसके बाद मैंने ये तीनों चीज़ें डाली हैं। अब इसको अच्छी तरह मिक्स करूंगी। ऑयल मैंने ऑलरेडी रख दिया है पहले, अब उसके अंदर मैं इसको फ्राई कर लूंगी। जब ये फ्राई होते हैं तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये फ्राइज मेरे हो गए हैं रेडी। अब समोसे भी मेरे फ्राई होने वाले हैं, वो भी मैं दिखाती हूँ। फ्राइज बन गए, अब मैं इसमें समोसे डालूंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
इफ्तारी हमारी सारी रेडी हो गई है, 5 मिनट रह गए हैं रोज़ा खुलने में। अब हम दुआ मांगेंगे और मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला सब लोगों के दस्तरखान इसी तरह वसी रखे। आपको हमारी इफ्तारी की रूटीन कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। आप भी अपनी दुआ में याद रखिएगा, मैं भी अपनी दुआ में याद रखूँगी। अल्लाह हाफिज़।